विभीषण काका देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दासता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर, पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करेंगे। पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है, अपने पिता के चरणों में अपने सुख संपत्ति वैभव, यहां तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। यदि वो नारायण भी है तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा।